डियर स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू मल्टीपल चार्जेस बताया था। अगर आपने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर थर्ड को जरूर देखिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विच फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव। मैंने पहले ही एक वर्ड यूज किया, इमेजिनरी, मतलब ये हमारा इमेजिनेशन है। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसके अलावा हम क्या क्या मानते हैं कि फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। और मेन प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब सिंपल क्या हुआ, ये एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व है जिसके अलावा फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। इसके किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ की है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली, मतलब पिक्चर वाइज। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी हमने डेफिनेशन में भी बताया, ये क्या इमेजिनरी स्मूथ कर्व है। सेकेंड पॉइंट, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है। कैसे ओरिजिनेट होती है? नॉर्मल टू द सरफेस, उस पॉइंट पर। इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी है, इट टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहां पे होगे? नेगेटिव चार्ज। इसकी मेन प्रॉपर्टी जो आपके पेपर में कोशिश होती है एग्जामिनर की, इस क्वेश्चन को दिया जाए, द टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। द टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती ये दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? ये फर्स्ट और ये सेकेंड, हम कह रहे हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी बेटे? फर्स्ट के कारण ओ पॉइंट, और सेकंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? पी टू। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल होती है। यहां पे जब दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो डायरेक्शंस आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज इम्पॉसिबल। इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दो इलेक्ट्रिक लाइन, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे? हम कह रहे हैं रीजन देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या है? पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिक्स प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर से पास नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये प्रॉपर्टी दिमाग में बिठा लेना, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सेवन प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू अ इंसुलेटर। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती है। एट प्रॉपर्टी और नाइन प्रॉपर्टी कंबाइंड फॉर्म में चलेंगे। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सोर्स से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट होके ये क्या हो रही है? स्प्रेड आउट हो रही है। जहां से ओरिजिनेट हुई थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उस रीजन में देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? बहुत पास पास है, बहुत क्लोज है। ये रीजन किसको इंडिकेट करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। और उससे फर्दर अपार्ट जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोजर होती है वो किस रीजन को इंडिकेट करता है, ये रीजन को इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है फर्दर अपार्ट होती है वो किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है वीक इलेक्ट्रिक फोर्स। अब 10 पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, आपने दो तरह के चार्जेस पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के फॉर्म में पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, वी नो दैट। टर्मिनेटेड कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेटेड है, इट्स ओके। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे गई, जो नॉर्मल टू द सरफेस गई कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज हुई नेगेटिव चार्ज पे, जो यहां से ओरिजिनेट हुई कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज पे हुई यहां पे। तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हम अपनी 11th प्रॉपर्टी में आते हैं, हमने कहा दो सेम चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। रिपल्सन का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आए लेंथ वाइज और परपेंडिकुलरली चली जाए। कैसे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट हो रही है बेटे, यहां दोनों पॉजिटिव चार्ज है हमारे। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से आई और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से आई वो ऐसे परपेंडिकुलर टू लेंथ चली गई। ये परपेंडिकुलर टू लेंथ क्यों गई, क्योंकि यहां पर क्या फील हो रहा है, रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया कि जो अनलाइक चार्जेस थे वो अट्रैक्शन हो रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज है। और यहां पे हम पिक्टोरियली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दो बॉडीज जो सेम चार्ज थे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आई वो रिपल्सन के कारण परपेंडिकुलर टू लाइन चली गई। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस हैविंग नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक सर। लेकिन जो ये इमेजिनरी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करती है, रियल फॉर्म में। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस हैविंग नो ब्रेक, इट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, पर जो ये फील्ड रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज रियल। एंड लास्ट मेन प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज कर्व। ये हम आगे बहुत प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेटेड कहां पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज से। क्या ये क्लोज लूप बनाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो इसकी एक रिकैप देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व है जिसके अलावा फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इसे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, व्हाट इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेटेड हो रही है, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल इक्विडिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसी कंडक्टर से पास नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, और ये डायलेक्ट्रिक से यानी इंसुलेटर से पास होती है। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोजर होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां फर्दर पार्ट होती है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी है, कॉन्टिन्यूस है विद नो ब्रेक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करती है, ये रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है सर। और एक क्लोज लूप भी बनाते हैं। अब हम जो एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। साहब ये आपका पीछा ना, आप बीटेक करें, एमएससी करें, बीएससी करें, नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहां पे ध्यान से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, a pair of equal and opposite charges separated by very short distance constitute an electric dipole. ये एक electric dipole है। साहब जैसे आपने HCl देखा ना, HCl, इसे कैसे represent कर सकते हैं, H plus Cl minus, तो dipole बनाएगा electric dipole। NH3,
H2O, ये क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। क्या समझने वाली बात है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है पर अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस। इसमें नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है, अच्छा इसमें क्या होगा, नेट चार्ज। अगर हम इसकी बात करें नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल में, क्यू नेट प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल में जीरो है पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज नेवर जीरो। इस चीज को दिमाग में कि हम ये कहें ना कि नेट चार्ज हमारा जीरो है, एक सिस्टम है ये, और सिस्टम के कारण जब नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं, इसका नेट चार्ज जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कभी भी जीरो नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं इसी से कंसर्न में, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, आप इस डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, एंड ऑफ डायपोल लेंथ, जो ये चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं, डायपोल लेंथ। कौन सी लेंथ, डायपोल लेंथ। अब मैंने इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाया, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, डायरेक्शन कैसे आएगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब जब माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगी तो इसकी यूनिट क्या आएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, बताई थी ना पिछले चैप्टर में, कूलाम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, कूलाम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, पी क्या है, क्यू इंटू टू एल, सिंपल। क्यू क्या है, आई टी, चार्ज करंट इंटू टाइम होता है, और ये टू एल होगा, एल हटा देंगे, ठीक है, टू हट गए। तो आई क्या होता है, एम्पियर, टी क्या होता है, टाइम, और एल क्या होगा, लेंथ एल। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम नहीं है ना, एम जीरो एल टी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और इसकी जो डायपोल है ना, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेटेड हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ड्यू टू डायपोल, किसके कारण है, ड्यू टू डायपोल। तो बेटा इस लेक्चर को जो मैं आज मैंने आपको जो समझाया है, इसमें मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक डायपोल जो मैंने समझाई है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर में बहुत यूजफुल होगा, इसे बहुत डिटेल में स्टडी करना है। और बेटे अगर मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में आने लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।